जबलपुर शहर के राशन दुकानें भगवान भरोसे चल रही है। राशन दुकानें संचालक मनमाने तरीके से खाद्यान्न बांट रहे हैं। रामपुर और एमपीईबी कॉलोनी के बाशिंदे लंबे समय से राशन नहीं मिलने से परेशान हैं। वहीं संचालक आवंटन न होने की बात कर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। इधर अधिकारी पूरा राशन आवंटित होने की बात करते हैं। खाद्य अधिकारी शिकायत मिलने पर कार्रवाई की बात करने का दावा कर रहे हैं। रामपुर की किरण परेशान है राशन पूरा ना मिलने से। हर बार जब वो राशन दुकान जाती है तो कहीं उन्हें गेहूं कम थमा दिया जाता है तो कहीं चावल। मिट्टी तेल और शक्कर तो सालों से राशन दुकान में बटा ही नहीं। यह कहानी किसी एक की नहीं है। जबलपुर के अधिकांश राशन दुकानों के हाल इन दिनों कुछ ऐसे ही है। यहाँ सब कुछ सेल्समैन और संचालक की मेहरबानी से होता है। दुकान पर राशन लेने वालों की एक कतार लगी रहती है, लेकिन राशन का पता नहीं रहता। जबलपुर के रामपुर व एमपीईबी कॉलोनी की दुकानों के हाल कुछ ऐसे ही मिले। गेहूं 20 किलो और चावल 10 किलो और 2 पैकेट नमक, बस और कुछ नहीं मिला। वो तो कितने साल हो गए बंद हो गया। क्या नहीं मिला? शक्कर मिट्टी तेल नहीं मिला है। आपका नाम? किरण भाई बहन, खाली मोहल्ला। कितने लोग हैं कार्ड में आपके? हम लोग 4-5 जने। 4 जने? हाँ। शक्कर कितने साल से नहीं मिली आपको? फिर भी 4-5 साल हो रहा हमारे अंदाज से नहीं मिल रही है। दुकान वाले बोलते शक्कर मिट्टी तेल उधर से आधे से आएगा तो देंगे, नहीं तो कहाँ से दे दें, अपने पल्ले से दे दें क्या? अच्छा। ऐसे बोलते कुछ नहीं मिले, वही चक्कर लगा रहे हैं। खोले 1 तारीख से चक्कर लगा रहे, खोले ही नहीं रही राशन। कितनी तारीख से कितनी तारीख तक राशन मिलता है? ये बोलता 10 के बाद बांटता है। 10 से बाद 10 के 10 तारीख के बाद बांटता है। 10 तारीख से कितने तारीख तक? हम लोग तो कभी 10 को ले, कभी 12 को ले जाते, कभी 13 को, कभी 15 को। हमारे 5 जन का नाम है और बोल रहे हैं 3 जन की राशन देते, आपके लड़के का और लड़की का नाम नहीं है बोलते। हम लोग कितने बार आधार कार्ड की फोटो कॉपी भी दे दिए, नहीं देते। 15 किलो गेहूँ देता है और 5 किलो चावल बस। वही मामले में जब दुकान संचालक से बात की तो मौके पर सेल्समैन मिला जो कि राशन आवंटित ना होने का झूठा रोना रोता रहा। आर के सोनी के नाम से दुकान है, वो स्वर्गवास हो गए हैं। अब मैं राशन दुकान का सेल्समैन हूँ। अभी हमारा इस बार हमारे राशन दुकान में गेहूं, चावल और नमक आया है। चना इस बार आया नहीं क्योंकि चना कट चुका है, क्योंकि इस महीने से बंद हो चुका है चना। और कितने लोग हैं आपकी दुकान में राशन काट वाले? वही 590 बीपीएल और इंक्यावन हो गए ए वाई के, अंत्योदय अतिथि गरीबी वाले, ए वाई के अतिथि गरीबी वाले 51 है और बीपीएल 590। इधर जब अधिकारियों से आवंटन की जानकारी ली तो उनका कहना है कि हर माह पूरा राशन आवंटित होता है, लेकिन जाता किधर है उन्हें पता नहीं। यह काम खाद्य विभाग का है। गेहूं, चावल, शक्कर और नमक का वितरण किया गया है। अब वो आवंटन पे डिपेंड करता है आवंटन किस डेट को आया। इस बार जैसे 25 से शुरू हुआ था तो इधर 5 से 8 तारीख तक हुआ है उठाव का। नहीं, हमारे स्तर पे तो अभी हमें ऐसी कोई शिकायत प्राप्त हुई नहीं है और हम रेगुलर हर मंथ उसका चेक भी करवाते रहते हैं कि विद इन लिमिट ही रहेगा और वही इशू होगा। बाहर से भी टीम आती है तो अभी तक ऐसी कोई शिकायत प्राप्त हुई नहीं है। मामले में जब खाद्य अधिकारी से बात की तो वे शिकायत का इंतजार कर रहे हैं। उनका कहना है कि जांच के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। दो तरह की इसमें योजना है, एक आपका AAY अंत्योदय अन्न योजना के पीले राशन कार्ड धारी हैं जो अति गरीब हैं, उनको 1 से 6 सदस्य पर 35 किलो अनाज पाने का हक है, 1 किलो नमक और क्या नाम है 1 किलो शक्कर और 2 से 3 लीटर मिट्टी तेल जो समय समय पर चेंज होता रहता है, इतनी उनको पात्रता बनती है। अगर वो 6 सदस्य से अधिक हैं तो उनको प्रति सदस्य 5 किलो फिर उसमें बढ़ता चला जाता है। तो दो तरह की इसमें मतलब कैटेगरी है, एक अंत्योदय अन्न योजना पीले राशन कार्ड धारी की और दूसरा है PHH जो अन्य सभी प्रकार के जो परिवार हैं, 25 प्रकार के परिवार हैं, बाकी जो 24 प्रकार के परिवार हैं उनको 5 किलो प्रति सदस्य अनाज जो है मिलने की पात्रता है। अधिकारी भले ही जांच की बात करें लेकिन एक बात तो सच है कि शहर की राशन दुकानें इन दिनों भगवान भरोसे चल रही है। जहां सेल्समैन और संचालक लोगों के साथ साथ शासन को भी चुना लगाने में लगे हैं। देखने वाली बात यह है कि अधिकारी मामले में अब कब तक एक्शन लेते हैं ताकि आम आदमी के राशन पर पड़ रहा डाका बंद हो सके।
ब्यूरो रिपोर्ट दबंग न्यूज।